क्या हो? आफिया, मुझे हानिया से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो किस तरह बिहेव कर रही थी माँ जी से? प्लीज उसे आप इस तरह जबरदस्ती ना करें। मैं उससे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने आज दिन तक उसकी हर बात मानी, लेकिन अब बस बस थोड़ा सा वक्त दें उसे, ये सब बहुत जल्दी ही है उसके लिए। वो क्या नाम बता रही थी उस बच्चे का, सफी, उसका एक्सीडेंट हो गया है तो जाहिर है। तो तुम भी उसी की वकालत कर रही हो? मैं सिर्फ हानिया की वकालत कर, इसलिए कि वो मेरी बेटी और मुझे अपनी बेटी की खुशी बहुत अजीज है। तो अब क्या करूं मैं? प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लें। सच पूछें तो ये रहमत भाई के यहाँ जो हम रिश्ता कर रहे हैं ना रिजवान से अपनी बेटी का, जो उन लोगों का जो एक देहाती बैकग्राउंड है ना, वो कुछ समझ में नहीं आया। आफिया, अब हानिया के साथ साथ तुम भी मुझे परेशान कर रही हो। मैं परेशान नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही। क्या आप पता नहीं क्यों रिजवान के रिश्ते को दुनिया का आखिरी रिश्ता समझ रहे हैं? ये मिस ना हो जाए, और इस सारे चक्कर में आप अपनी बेटी को खुद से दूर कर रहे हैं। अच्छा सुनो सफी, शादी तो तुम उसी लड़की से करोगे ना जिससे पिछले हफ्ते मिले थे? अरे भाई पहले उसको कोई जॉब तो मिल जाने दो, उसके बाद शादी हो जाएगी। क्यों जी? बिल्कुल सही बात की आपने, जॉब मिलना तो वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि उस लड़की के घर वाले तो वैसे भी किसी ऐसे वैसे लड़के से उसकी शादी करवाएंगे नहीं। अरे हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तो मेरे साथ खुश भी नहीं रह पाऊंगी। क्या हो गया है इसको, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? कॉल भी नहीं कर सकते हैं। Oh.